कौम दे जरनैल धन धन बाबा दीप सिंह जी का कल नूं शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा तो उस दे संबंध विच अज धन धन साहिब श्री गुरु गुरद्वारा शहीदगंज साहिब विखे तैयारियां जिहड़ियां ने हो चुकियां ने। फुल्लां दे नाल सजावट कर दित्ती गई आ। सहयोगी नूं कहांगा इह तस्वीरां दिखा दित्तियां जाण जिथे गुरद्वारा शहीदगंज साहिब विखे इह तैयारियां जिहड़ियां फुल्लां दी सजावट नाल कर दित्तियां गईआं होईआं ने। सो वड्डी गिणती दे विच संगतां दा इक ठाठा मारदा इकट्ठ देखण नूं मिल रहा है। सो इह तस्वीरां तुहानूं गुरद्वारा शहीदा साहिब दीआं दिखा रहे हां जिथे दिन ऐतवार नूं संगतां भारी गिणती दे विच पैरा कट्टण वी पहुँचदियां हैगियां ने। सो कल नूं 15 तरीक नूं गुरद्वारा शहीदा साहिब विखे धन धन बाबा दीप सिंह जी दे इस अस्थान ते शहीदी दिहाड़ा मनाया जाऊगा। सो उस दे संबंधी वड्डी गिणती दे विच संगतां दा सहयोग देखण नूं मिलेगा। सो देख सकदे हो तस्वीरां हुण तों ही संगतां नतमस्तक हो रहियां ने। पूरा गुरद्वारे साहिब नूं फुल्लां दे नाल सजा दित्ता गया आ। अलग अलग लाइटां दे नाल सजावट कर दित्ती गई आ। वड्डी गिणती दे विच संगतां दा काफला देखण नूं मिल रहा है। हर एक संगत हुण तों ही इस गुरद्वारा साहिब दे विच नतमस्तक हो रही है। भारी गिणती दे विच संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ अज गुरद्वारा साहिब विच वेखण नूं मिल रहा है। सो जिस हिसाब नाल सजावट की गई है वह तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। अलग अलग फुल्लां दे नाल इह सजावट की गई आ। संगतां दे विच भारी उत्साह जरूर देखण नूं मिल रहा है। किस तरीके दे नाल देख सकते हो कि संगतां हुण तों ही नतमस्तक होणियां शुरू हो चुकियां ने। कल नूं सुंदर दीवान भी सजाए जाणगे जिस नूं लै के कल नूं अलग अलग निहंग सिंह जथेबंदियां इस दर ते नतमस्तक होणगियां। अलग अलग जथेबंदियां सरमौर जथेबंदियां कह लिए और नतमस्तक होणगियां। फिलहाल संगतां नाल गलबात करदे आ। अज नतमस्तक होण पहुंचियां होईआं ने, निहंग सिंह पहुंचे ने। बाबा जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दस देना भाई सुखजीत सिंह जी खालसा कवि श्री जथा अमृतसर साहब वाले। बाबा जी धन धन बाबा दीप सिंह जी दे कौम दे जरनैल जिन्हां दा कल नूं शहीदी दिहाड़ा मनाया जाएगा। उस संबंध में सजावट भी हो चुकी आ, तैयारियां कह लिए कि फौजा भी तैयार बर तैयार बैठिया ने। सो की कहना चाहोगे? सब तो पहला धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी की फतेह गजाऊंगा जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाडे खेत। इन्नी लसानी कुरबानी धन धन बाबा दीप सिंह जी। इत्थे बाबा दीप सिंह जी का संस्कार होया सतसंगत जी, जो कि 1557 ईस्वी वाले दिन इन्होंने जमाल खान के नाल टाकरा करके शहीदी शहादत प्राप्त की। और इत्थे अमृत वेले तो ही सचखंड जो तख्त शहीद सिंह बाबा दीप सिंह जी के स्थान पर अमृत वेले तो ही नतमस्तक हो रहे हैं। बहुत सोहनी गुरु साहब जी की कृपा नाल लाइटिंग हुई है और डेकोरेशन हुई है। बाहर के जो संगत आई ने, जो बंबे तो मंगाए गए ने कारीगर, उन्होंने डेकोरेशन की है शहीदगंज साहब। और बहुत वधिया एस जी पी सी वालों गुरद्वारा जो शहीदगंज साहब एस जी पी सी वालों समागम लिखे जाएंगे। बहुत सोहनी डेकोरेशन हुई है गुरु साहब जी की कृपा नाल जिस समागम के विच। और गुरु साहब जी की कृपा नाल सवेर तो टाइम तो ही मॉर्निंग टाइम तो ही श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे। और गुरु साहब जी की कृपा के नाल मुख वाग दी आए हुए सचखंड श्री हरिमंदर साहब आए हुए मुख वाग दी कथा होएगी। उस तो बाद गुरु साहब जी की कृपा नाल दीवान सजाए जाएंगे। दीवान जो कि 12-2 ढाडी जत्थे लगनगे, कवीशरी जत्थे लगनगे। 2-5 सुखमनी साहब की सोसायटी होंगी एक प्यारी सत्संग जी, जो शनिवार से लैके ऐतवार तक वो चुपहरा तो बाबू जी है वो सेवा निभाते हैं तो वो करे। उस तो बाद ईवनिंग टाइम भी जो आरंभ होगी दीवान की, ईवनिंग टाइम तो जो 6 लैके रात के 12 तक गुरु साहब जी की कृपा के नाल और समागम की आरंभता होगी, जिस विच वख वख जथे समागम के हाजरियां भरनगे। दास जी भी गुरु साहब के अगे बेनती लाई है कि जो करो कृपा तरस करे गुरु साहब जी महाराज की कृपा के नाल इतने हाजरी भरेंगे गुरु कृपा करे। सो बाबा जी की कृपा के नाल ढाडी जथे आ रहे हैं, रागी सिंह जथे आ रहे हैं। बहुत सोहनी बाबा दीप सिंह जी के स्थान पर डेकोरेशन हुई है, फुलों के तरह तरह के फुल के नाल डेकोरेशन हुई है बाबा दीप सिंह के स्थान, जो कि धन धन बाबा दीप सिंह जी टकसाल के पहले मुखी हुए सन सात सिंह जी और तरना दल के भी मुखी हुए सन। जिस तरह शहीदी दिहाड़ा मनाते हैं उस तरह ही बाबा दीप सिंह जी का ही
महाराज की कृपा के नाल पंजां प्यारे की अगवाई हेठ नगर कीर्तन की 26 जनवरी वाले दिन नगर कीर्तन की आरंभता हुई। बहुत सोहनी डैक्शन बाबा जी। हुण कह लिए कि गुरुद्वारा शहीद साहब विखे सरब की धुआई की भी सेवा हुई सी बाबा जी के शहीद दिहाड़े संबंधी, सो कल दीवान भी सजाए जाएंगे, संगतों के कितना उत्साह लग रहा? संगतों में बहुत उत्साह, क्योंकि संगत गुरु साहब जी की कृपा के नाल अमृत वेले तो ही आ रही ने, हूँ तो ही संगत शुरू होने लगिया ने आने तो, क्योंकि संगतों के उत्साह, क्योंकि जदों चपहरा साहब जी जदों होंगे ने महाराज की कृपा ना पाठ होंगे ने, संगत शनिवार तो ही रात नहीं अमृत वेले गुरु साहब जी की कृपा के नाल चपहरे के नाल जुड़ जाने ने, तो संगत हूँ तो ही मतलब वाहगुरु की कृपा के नाल जुड़ गई ने, तो वक् वक् गुरु साहब जी की कृपा के नाल लंगर के पकवान चलाए गए, दास सेवा निभा के गया, साग की सेवा आएगी, गुरु साहब की कृपा ने बेंत जिन्ना कह दी उन्ना ही थोड़ा भंडारे बेंत वरताए जाएंगे, देसी घ्यो जलेबियां तैयारियां चल रही ने, वक् वक् पकवान गुरु साहब जी की कृपा के नाल तैयारियां चल रही ने, वक्रे वक्रे डेकोरेशन नाल फुलां दी सजावट हुई ने, और बाबा दीप सिंह जी की उस्तत मैं जरूर एक कविता सुनावांगा किस तरह उन्हां दी कुरबानी हुई, सो आप जी श्रवण करना जी। सूरा सो पहचानिए जो लरा दिन कहे ता, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड खेत, खंडा दूले मर्द दा निगे लो नावे, सीस तली ते रख के सिंग लड़ता जावे, ओ जेड़ा के रड़कदा सिंग पार बुलौंदा, बिजली वांगो उसदा खंडा लहरौंदा, तेजी उसदा तक के हर रूपे खावे, सीस तली ते रख के सिंग लड़ता जावे, दूरों अफसर पज के जद रहे हैरानी, भुलेगा जस किस तरह योदे दी कुरबानी, वैरी ताई मौत दे, वैरी ताई मौत दे गप्फे वरतावे, ओ सीस तली ते रख के सिंग लड़दा जावे, सीस तली ते रख के सिंग लड़दा जावे। अमृत छको सिंह सजो गुरु वाले बनो, चढ़ती कला विच रवो, नशियां दूर रवो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल, होर संगतां भी मौजूद हैगियां ने, उन्होंने भी गलबात करन दी जरूर कोशिश करांगे, क्योंकि हुण तो ही कह लिए कि संगतां दे विच भारी इकट्ठ देखन नूं मिल रहा है, वड्डी गिणती दे विच संगतां नतमस्तक हो रही है। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रगट सिंह जी किदां दा लग रहा, जिस हिसाब नाल तैयारियां शुरू हो गई ने, कह लिए कि सवेर तक सारिया तैयारियां खत्म हो जाएगियां, समाप्ति हो जाएगी, उस तो बाद बाबा जी का शहीद दिहाड़ा मनाया जाएगा, संगतां दे विच कितना उत्साह लग रहा? बहुत जी, संगतां दे विच शुरू तो अखंड पाठ साहब जिदन के आरंभ होए ने जी, उस दिन तो संगतां दे विच बहुत उत्साह हुंदा है जी, संगतां दा ठाठा मारदा है समुंदर, देशा विदेशा जो संगतां आ गए, धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह दे घर दीआं हाजरियां भर के, चपहरे साहब दीआं हाजरियां भर के अपने आप नूं बहुत वडभागे समझदियां हन, असीं यही बाबा दीप सिंह दे चरणां च अरदास बेनती करदे आं, सरबत संगतां नूं वाहिगुरू नाम दिया दाता गुरसिखी जीवन जींदा बल बख्शे गुरु रामदास बाबा दीप सिंह, सरबत संगतां दे कारज रास करन, असीं यही संगतां नूं अपील करने आ वी देश विदेशा जो आ गए, धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह दे शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखदिया होया ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं, हर साल प्रोग्राम करवाए जाते हैं, बाबा दीप सिंह जन्म दिहाड़े भी मनाए जाते हैं, पिछे धुआई की सेवा भी करवाई गई, तो संगतों के बहुत उत्साह वेख्या गया कि संगत सड़क तक जाके देशा विदेशा तो आके बाबा दीप सिंह के घर दिया खुशियां प्राप्त कर दिया हन, इस ही संबंध के असी कहने अमर शहीद बाबा दीप सिंह शहीदी दिहाड़े में मुख रखद होया संगत देशा विदेशा जो आ के गुरु घर दिया खुशियां प्राप्त कर दिया हन, तो गुरु घर दिया खुशियां प्राप्त कर दिया रहन जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। बिल्कुल, संगतां दे विच उत्साह तुसीं देख रहे हो, किस तरीके दे नाल संगतां हुण तो ही नतमस्तक हो रही है, वड्डी गिणती दे विच संगतां दरबार दे विच पहुँच के गुरबाणी का आनंद माण रही है, सो अंदर दीआं तस्वीरां भी एक बार रूबरू करवा दिंदे हैगे आ, जिथे सुंदर फुलां नाल सजावट की गई है, बॉम्बे तो कारीगर जिहड़े आ उह बुलाए जांदे हैगे, हर वार की तरह संगतां दे सहयोग दे नाल इस दर ते सेवा जिहड़ी आ इह निभाई जांदी हैगी आ, सो वड्डी गिणती दे विच संगतां दा एक काफला देखण नूं मिल रिहा है, उस तों बाद अजे कल गल कर लईए तां कल नूं सुंदर नगर कीर्तन अते दीवान भी सजाए जाणगे, जिस दे विच संगतां गुरबाणी दा आनंद माणनगीआं, सो उस नूं लै के जरूर संगतां दे विच भारी उत्साह देखण नूं मिल रिहा है। साडे चैनल वल्लों अपील है कि जरूर कल नूं इस जगह ते आके हाजरी भरो, गुरबाणी दा आनंद माणो,
अमृत छक के गुरु वाले बनो, जिस दे विच वड्डी संगत कह सकते हैं कि कल नूं पहुंचणगीआं ते गुरबाणी दे विच जरूर हाजरी भरनगीआं। ते इस गुरद्वारा शहीदा साहिब विखे जेकर गल कर लईए तां साल तों पहलां ही वड्डी गिणती दे विच संगतां नतमस्तक हो रहियां हैगीआं ने। चुपहरे की शुरुआत जदों होई सीगी उस तों बाद जदों हौली हौली संगतां नूं पता चलदा रहा तां चुपहरे दे विच वी गिणती जिहड़ी आ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।